नमस्कार। आज के संभाषा के सत्र में आज का हमारा टॉपिक है अनयूजुअल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसको हम हेवी मेंसेस कहेंगे या जिसको आप डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। तो जैसे हम सभी जानते हैं, प्यूबर्टी टू मेनोपॉज हर महीने में एक बार या हर महीने में लाइक 20 से 25 दिनों के बाद या 28 डेज का जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और ये स्त्रीत्व की एक निशानी हम लोग मानते हैं। बट इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एक प्रकार से एबनॉर्मल सी ब्लीडिंग होने लगती है, या जहां पर उसका समय नहीं होता है तब इस प्रकार का स्त्राव होने लगता है, जिसको आयुर्वेद में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आमतौर पर आयुर्वेद के आचार्य सभी ने, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, सभी ने इस व्याधि का वर्णन किया है। किसी ने कुछ नाम दिया है, किसी ने कुछ नाम दिया है, बट किंतु हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि अगर आपका साइकिल जो भी है उसके सिवा किसी महिला के शरीर से इस प्रकार का रक्तस्राव हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये हानिकारक भी है और ये कुछ आगे कुछ किसी बीमारी को भी दर्शाता है। जैसे कई बार तो इसके साथ कोई सर्वाइकल कैंसर या ये भी जुड़ा होता है, तो हमें एक समय पर इसको ऑब्जर्व करना है, डायग्नोसिस करना है। और कई बार हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, फिर भी कई बार ऐसे होता है कि हम लोग इसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। आयुर्वेद ने इसको, जैसे मैंने बताया, रक्तपित्त या अधोक रक्तपित्त के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि अधोक रक्तपित्त की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, इसी प्रकार की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग इसमें फॉलो कर सकते हैं, या इसी प्रकार से उसका उल्लेख भी किया गया है। ये एक प्रकार से मेनोरोजिया कैन बी टर्म्ड एज हाइपरमेंसेस, हेवी मेंसेस, पित्तज रजोदुष्टि, रक्त प्रदर, अश्रुदर, अश्रुजा योनिव्यापत, लोहिता क्षरा योनिव्यापत, या इस प्रकार के कई सारे नाम आपको इसमें मिलेंगे। खास करके इसमें ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न थेरेपीज में हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, यानी इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देकर फिर से इसको बैलेंस किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग ये कई कारणों से होती है, बट मुख्य रूप से जो कि एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, वो जब डिस्टर्ब हो जाती है, इन डिस्टर्बेंस के साथ ही जो हार्मोन का रेशियो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। और या यहाँ पर इसी के साथ अगर हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी एक्सिस जो है वो भी कई बार इसको काउंटरैक्ट करता है, या वो भी कई बार इसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये पैथोलॉजी इसमें बताई गई है। और बिल्कुल जैसे कि हार्मोनल थेरेपी या इसमें एंटी फाइब्रोनोलाइटिक एजेंट्स यूज करते हैं, एंटी प्रोस्टोग्लैंडिन्स यूज किए जाते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में इसी प्रकार का मेडिकेशन बताया है। बट जैसे अगर हम लोग हेवी ब्लीडिंग की बात करते हैं तो कई सारे कारण अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्यों होता है। अभी रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि ये DUB है? सबसे पहले अगर किसी को हेवी ब्लीडिंग हो रही है, फर्स्ट इसका लक्षण हो गया। दूसरा, ब्लीडिंग में ज्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं।
तीसरा लक्षण इसका है ब्लीडिंग दैट लास्ट मोर देन 7 days. नेक्स्ट ब्लीडिंग दैट ऑकर्स लेस देन 21 days फ्रॉम द लास्ट साइकिल. ब्लीडिंग दैट ऑकर्स लेटर देन 35 days फ्रॉम द लास्ट साइकिल. स्पॉटिंग ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, ब्लोटिंग होना या पेल्विक पेन है या प्रेशर है, ये सारी बातें भी इसके साथ होती है. अब अगर किसी महिला को इसके साथ कुछ अलग से लक्षण दिखते हैं जैसे कि डिजीनेस है, फेंटिंग है, वीकनेस है, लो ब्लड प्रेशर है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट है, पेन है, पेल स्किन है और बहुत ज्यादा क्लॉट्स जा रहे हैं और हर घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है जो कि पहले नहीं होता था, कभी कभी ब्लीडिंग के साथ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट भी आती है, तो यहाँ पर यू मे सीट विथ योर डॉक्टर और आपको यहाँ पर जाकर जांच करवानी होगी. और कई बार की जैसे कि पीसीओएस है या एंडोमेट्रियोसिस है, कभी कभी एडिनोमायोसिस भी होता है, कभी कभी कुछ मेडिकेशन से बर्थ कंट्रोल करने के इसके साथ भी हो सकता है. यूएसजी आपको करानी है, ब्लड टेस्ट करिएगा जो कंप्लीट ब्लड काउंट करिएगा और एनीमिया रिवील करिएगा. कई बार जैसे कि एनीमिया के साथ भी ब्लीडिंग होती है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी रिकमेंडेड है. ऐसे हमें देखिए जैसे कि ये मैंने बताया कि अनयूजुअल ब्लीडिंग अगर हो रही है, महिला थोड़ी सी ज्यादा यानी 40 के अबव की एज की है तो थोड़ी मन में हमारी एक आशंका होती है कुछ अलग डिसीजेस को लेकर, तो वहां पे हमें तो जांच करवानी ही पड़ेगी, हमें करना भी चाहिए. और बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर ये विचार करेगा. डीयूबी के कॉम्प्लिकेशंस तो ये है कि एक टेम्पररी कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि डीयूबी लॉन्ग टर्म डिसीज है. एक बार आपके हार्मोन्स रेगुलराइज हो जाएंगे तो धीरे धीरे ये अबनॉर्मल ब्लीडिंग यूजुअली सबसाइड होती है. सबसे पहले तो हमें पेशेंट को सेटल करवाना है, यानी जो स्ट्रेस लेवल है, जो ट्रिगर पॉइंट्स है उसको आप रिलीव करिए, जैसे हम लोग हेतु परिमार्जन इसको कह सकते हैं. एनीमिया ये हेवी ब्लीडिंग का कॉम्प्लिकेशन होता है और ज्यादा ब्लड लॉस अगर होता है तो हम लोगों को वहां पर जो भी सप्लीमेंट की जरूरत है, मिनरल की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, वो जरूर करवानी है. तो ओवरऑल हम इसी प्रकार से इसमें विचार करेंगे. जैसे कि आचार्य बताते हैं कि इसमें कभी कभी उपद्रव के रूप में जैसे मैंने बताया ना, डेलिरियम हो सकता है, प्रलाप होता है और दौर्बल्य आता है, बहुत ज्यादा दाह होता है, तृष्णा होती है, भ्रम होता है, मूर्छा, तंद्रा, कभी कभी बुखार आ जाता है, कभी कभी बहुत ही ज्यादा बहाव हो रहा है तो पेशेंट कोमा में चला जाता है, शॉक में चला जाता है, जहां पर आक्षेप भी आ सकते हैं. और आचार्य भाव निदान, भाव मिश्र, योग रत्नाकर सभी ने इसको बताया. कभी कभी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी इसके साथ होते हैं. तो बिल्कुल इसमें देखिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो ये इसकी संप्राप्ति अगर बनती है तो ये पित्त प्रकोप के साथ बनती है और पित्त प्रकोप ही इसका कारण है. और इसी पित्त प्रकोप के साथ ही हमें पित्त का शमन करवाना है, अपान की विकृति है क्योंकि अपान वायु ही इसको कंट्रोल करता है. तो अपान वायु का कंट्रोल करने के लिए आपको बस्ती देना पड़ेगा, विरेचन देना पड़ेगा. और बिल्कुल ऐसे हमें यहाँ पर विचार चिकित्सा सिद्धांत यही रहेंगे कि हम इसको सभी प्रकार से विचार करके जैसे अधोक रक्त पित्त की चिकित्सा उसी के प्रकार चिकित्सा करें. पित्त दोष की बारी है तो पित्त दोष के लिए विरेचन तो बेहद यूजफुल होता है, तो माइल्ड परगेशन हमें इसमें करना है. बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट ऑनगोइंग स्टेज में है, यानी ब्लीडिंग हो रही, पेशेंट आपके पास आया है तो वहां क्या करें, ये मतलब बड़ा विषय होता है. बाद नेक्स्ट साइकिल के लिए तो हम लोग कई अच्छे से ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, बट तुरंत पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, तो तुरंत के लिए भी हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे मेडिसिन है जो आपको दूसरे या तीसरे दिन रिजल्ट देते हैं. तो बिल्कुल ऐसे रक्त संपर्क ड्रग्स का हमें यहाँ पर विचार करना है. काफी अच्छे अच्छे मेडिसिन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, किस प्रकार के उपयोग हम लोग करेंगे. बस्ती वगैरह भी बहुत अच्छा देता है ये रिजल्ट. इसमें मैं ये रिकमेंड करूंगी आपको जैसे कि चंदन आदि की हम निरू बस्ती दे सकते हैं, रसनादि की अस्थापन बस्ती दे सकते हैं, इसके साथ मात्रा बस्ती, चंदनमला लक्षादि की वासाघृत, ये भी बस्ती वासाघृत का, इवन दो हम गुद पीचू का भी प्रयोग कर सकते हैं. इसमें अगर आपको लग रहा है कि कफ दोष भी दुष्ट है तो वमन के साथ चल सकते हैं, आप सद्य वमन करिएगा या यष्टि मधु मदन फल नागरमोथा इसका वमन करवाइएगा. सो इस प्रकार से
इसमें पुष्यानुग चूर्ण हम लोग दे सकते हैं, पुष्यानुग चूर्ण शहद के साथ, तंडुलोदक के साथ। देन इसमें विष वेलवादी चूर्ण करके आता है जिसमें शुंठी, इलायची, मुसली, गोक्षूर ये सारे द्रव्य है। अवलेह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, जीरक आद्यालेह दे सकती है, जीरक आप जीरक का फांट दीजिएगा। और खांड कुष्मांड अवलेह जो कि धातु का बल भी बढ़ा देता है और ये मधुर शीत गुण है, तो मधुर शीत गुण ये रक्त का स्तंभन करेगा, पित्त का शमन भी करेगा। इसमें आपको कई सारे ये मिलेंगे, कल्प या विकल्प मिल जाएंगे जिसमें कि मुक्ता पिष्टि है, प्रवाह पंचामृत दे सकते हैं, कामदुधा रस दे सकते हैं, गोदंती भस्म, इन सभी को 125 मिलीग्राम ऐसे करके दीजिएगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें हमें जैसे कि दोषों के ऊपर भी काम करना है ना, तो हम लोग विरेचन भी देंगे बट रक्त स्थापन भी करना है। रक्त स्थापना के लिए आपको लोह कल्प बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, जिसमें मैं जरूर बताना चाहूंगी प्रवाह और प्रदरांतक लोह कंबाइन करके दीजिएगा, आपको सेकेंड डे को पेशेंट को रिजल्ट आएगा। इसमें पुष्यानुग चूर्ण का भी काफी सुंदर रिजल्ट आता है। एक और जैसे कि ये मैं बताना चाहूंगी कि इसमें बहुत सारे यानी प्रदरादि कषाय, प्रदरादि लोह, अश्रुद्धरहर कषाय, प्रदरहर कषाय, ऐसे पथ्य अम्ल की कषाय, ऐसे अलग अलग कषाय आपको मार्केट में मिल जाते हैं। केरला फार्मेसीज के, आर्यवैद्य फार्मेसीज के ऐसे कषाय है जिसमें कि ज्यादातर अम्ल की, बला, सारीवा ऐसे द्रव्य है, खदीर ऐसे द्रव्य है जो अच्छे से इसमें हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि जैसे हार्मोन्स के साथ तो मत जाइएगा, हार्मोन जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना हम अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें फलत्रिकादि कषाय और फलत्रिकादि गुगुल ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों का भी काफी अच्छा मिल जाता है, हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो हम लोग इसका भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि विरेचन अच्छा इसमें रिजल्ट देगा, तो आप अविपत्ति का चूर्ण के साथ चलिएगा पेशेंट को, या जो भी आप देना चाहती है ये आप दे सकती है। तुरंत रिजल्ट देने के लिए वासा गुत्थपान 10 ml डेली दीजिएगा। वासा गुत्थपान दुर्वास्वरस का नस्य या वासा घृत की मात्रा बस्ती ये भी, या फिर चंदन बला की मात्रा बस्ती ये भी काफी इसमें इम्पोर्टेंट होता है, या इसका भी अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। इसी के साथ साथ जो भी जैसे कि कभी कभी चंद्र प्रभा वटी भी इसमें यूज करते हैं हम लोग, कुछ घृत कल्पनाओं का भी काफी अच्छा रिजल्ट है, जो आप फलघृत भी यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण और शतावरी चूर्ण दीजिएगा जो कि हार्मोनल लेवल पर जाकर काम करेगा। इसमें जैसे शीत गुण और पित्त शमन के लिए पद्मकाष्ठक चूर्ण ओरली आप दीजिएगा, 2 BD के रूप में दीजिएगा, 5 g दीजिएगा गर्म पानी के लिए, इसको कंटिन्यू करिएगा। यानी कम से कम आपको ये 15 दिन का ट्रीटमेंट करना होगा और फिर नेक्स्ट साइकिल में तो निश्चित परिणाम मिलेगा। कई बार तो ठीक है अभी का साइकिल हो गया, हेवी था तो नेक्स्ट साइकिल ठीक आए इसके लिए भी आप मात्रावस्ती दे सकती है। इसमें चंदन बला या बला तेल की मात्रावस्ती काफी प्रभावकारी होती है। और इसी के साथ साथ आप कंटिन्यू बीच का जो पीरियड है, नेक्स्ट साइकिल आने के बीच का प्रयोग जो पीरियड है, इसमें चंद्र प्रभावटी चलाइएगा या फिर गैरिक भस्म या प्रवाह भस्म, इन दोनों को मतलब 5-5 g लीजिएगा और 10 g ऐसे बीड़ी भी अच्छा इसमें रिजल्ट रहता है। एक आपको मार्केट में रेडीमेड शोणित स्थापन महाकषाय करके मिल जाता है, आप 20 ml TDS दीजिएगा, काफी सुंदर ये, तो ये बीच के पीरियड में आपको देना है। इवन आप पित्त शमन रक्त शमन के रूप से वासाघृत और जो मैंने सारे पित्त शमन द्रव्य बताए इसका भी प्रयोग कर सकती है। एक ये भी है पेशेंट को कई बार जैसे ये भी होता है ना कि कुछ थोड़ा सा मेंटली भी वो सेट नहीं होता है, स्ट्रेस लेवल रहता है कि भाई कैसे होगा क्या होगा, थकान भी रहती है, तो हमें धातु बल भी बढ़ाना है, तो आप इसमें अक्षरपाक का भी प्रयोग कर सकते हो। निद्रोदय योग करके आता है वो, 2 tablet दीजिएगा आप यहाँ पर पेशेंट को, काफी अच्छा इसका भी रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि यूट्राइन ब्लीडिंग कंट्रोल होने में थोड़ा सा कभी कभी समय लगता है, तो हार्मोन जो इम्बैलेंस हो गई या दोष इम्बैलेंस जो भी हो गए हैं, जो भी कॉजिटिव फैक्टर्स में जैसे वात पित्त प्रकोप बताया है, वेगों का धारण उदीरण है या स्पाइसी खान पान है, वो सारा बंद करवाना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग कुछ मिर्च मसाले और हींग खाने के रोज में, लहसुन बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल या ये ज्यादा हेतु बताए गए ना, तो इसी प्रकार से
हमें शीत उपचार, शीत अन्नपान, शीत आहार को भी रिकमेंड करना है आपको। इसमें सिंगल ड्रग्स का भी काफी सुंदर रिजल्ट मिलता है। कल्प तो बहुत है, मतलब लिस्ट तो 50 लिस्ट, 50 ड्रग तो ऐसे ही हमारे मुंह में आते हैं। द्राक्षाल वले, द्राक्षारिष्ट, फिर चंदनासव, चंदन चूर्ण, फिर उशिरासव, सारिवाद्यासव, गोक्षुर दे सकते हैं। गोक्षुर बला आप दूध में मिलाकर क्षीरपाक के रूप में दीजिएगा। एक और मैं हमेशा बताती हूँ, लज्जालू, लज्जालू चूर्ण दीजिएगा आपको। लज्जालू ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो ब्लड वेसल्स जो डायलेट हो गए, जिसके साथ ब्लड शरीर के बाहर आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लज्जालू कषाय सा आप उपयोग कर सकते हैं। आप पान के लिए भी दीजिएगा या फिर चूर्ण के रूप में भी दे सकती है। दुर्वा तो ऑलरेडी हम उपयोग में लाते हैं, दुर्वा घृत पान भी कर सकती है, और दुर्वा घृत या दुर्वा सरस का नस्य भी रिकमेंडेड है। कभी कभी बस्ती में पिच्छा बस्ती भी दी जाती है, जिसमें शालमली का प्रयोग होता है। लोधरासो, लोधर चूर्ण, अशोक का रिष्ट, पतरांगारिष्ट, पतरांगासो, धातक आदि लोह, नागकेशर चूर्ण, ये नागकेशर और कुशानुक मिलाकर दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। इसी के साथ साथ आपको लाइक जातिफल का चूर्ण भी अच्छा होता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह उसमें अगर ये होती है ना डिस्टर्ब होती है तो भी चलता है। कुछ लोग बोलबद्ध रस या बोल परपटी का प्रयोग करते हैं। जिन लोगों में परपटी कल्पना सहन होती है, उनमें आप बोल परपटी का भी प्रयोग कर सकते हो। और काम दुधा मुक्ति का तो ऑलरेडी बहुत ही, मतलब ये तो प्रूवन वाले है। बला कषाय और मुस्ता कषाय दोनों को मिलाकर दिया जा सकता है। इसमें आपको मतलब बोलबद्ध रस, बोल पर पट्टी और साथ में अगर ये बला वगैरह देते हैं तो और ज्यादा ये मिल जाता है। और पेशेंट का जो धातु बल है उसको रिस्टोर करने के लिए आप शतावरी गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जैसे अवलेह कल्पना, द्राक्षा अवलेह या च्यवनप्राश अवलेह, इसका भी प्रयोग करेगा। आपको लघु आहार पे रखना है पेशेंट को, क्षार, लवण, अल्कोहल, फिश, इन सभी से बचना है। जो भी तेल वगैरह, गार्लिक वगैरह, इनको भी हम लोग कम यूज करेंगे। एक और मैं बताती हूँ बहुत अच्छे अच्छे, एक्चुअली मैंने बहुत मतलब ऐसे छोटे छोटे फॉर्मुलेशंस भी इसमें यूज करवा के अच्छे से ये किया है। इसमें केसर भी आप दूध में मिलाकर दिन में 2 से 3 बार दीजिएगा। केसर तो घर में होता है, उसका प्रयोग कर सकते हो। अशोक घृत डेली 10 ml पेशेंट को पीने को दीजिए। आप अशोक घृत का पान करवाती है 2 बार भी दे सकते हैं। घृत है तो पित्त शमन भी करेगा, वात दोष को भी, वो जो दृष्टि हुई अपान की वो भी रिस्टोर करेगा। तो अशोक घृत एंड ये आप जरूर दिन में 2 बार दीजिएगा। एक और कॉम्बिनेशन बताना चाहूंगी, नागकेशर उशीर, इनको अच्छे से मिक्स करिएगा पाउडर के रूप में, दोनों 3-3 ग्राम दीजिएगा। और इसको ना आप मिश्री के साथ दीजिएगा। जो किसी भी प्रकार का मेनोरोजिया है तो सबसे होता है। एक और बात की, जैसे लड़कियों में हम मेनोरोजिया के, लड़कियां आजकल बहुत आती है, कई बार तो ऐसे होता है कि लड़कियों में काफी मात्रा में मेनोरोजिया होता है। बट मेरा विचार यहाँ पर यही रहेगा कि जैसे लड़कियों में ये शुरुआत का ये है, शुरुआत है, तो इनके हार्मोन्स को सेटल डाउन होने दीजिए और उसके बाद ही हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। लड़कियों में ट्रीटमेंट की गड़बड़ी मत करिएगा। लेट मतलब सेटल डाउन, अपने आप से उसका शरीर सेटल हो जाए हार्मोन्स के इसको। बट फिर भी इसमें से जो कुछ कल्प है वो तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं, और जो मैंने चंदन बला लाक्षादी का बताया, या नस्य दे सकते हैं, या आप जो भी ओरल मेडिकेशंस दे सकते हैं उन सभी को भी दीजिएगा। हाँ तो लड़कियों में तो मुझे लगता है कि जैसे कि जो भी खान पान के हेतु है उन हेतु को कंट्रोल में लाइएगा, वो काफी अच्छे से बैलेंस करेंगे, पित्त दोष को बैलेंस करेगा लड़कियों में ज्यादा। मेरा मानना ये है कि एक तो यंग एज होता है, प्यूबर्टी तो बिल्कुल, और आजकल के खान पान को अगर देखते हैं तो ये निश्चित रूप से उसको प्रभावित करता है। तो वहां पर तो ज्यादा यही रहेगा, लड़कियों को थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल होने में ये कर दे। और फिर जैसे कि इसमें
आपको अगर बाद के लिए या पेशेंट का आपने कंट्रोल कर लिया तो आगे के लिए भी आपको यहाँ पे बस्ती बाकी बस्ती जैसे ट्रीटमेंट को यहाँ पर करवाना होगा। आप पीछू भी दे सकते हैं एंड लाइक आगे के लिए या बल देने के लिए धातु बल बढ़ाने के लिए बला तेल का पीछू रखवाइएगा या फलघृत का पीछू रखवाइएगा एंड जैसे कि भेल सभी ने इस प्रकार से कुछ ये भी कारण बताया है कि इनिशिएशन यानी बहुत ज्यादा कुशता है और पेशेंट बहुत ज्यादा बाहर वहन करता है यानी वेट लिफ्टिंग करता है, दिन में सोता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वॉक करता है और एक्सेसिव मैथुन करता है, इन सभी हेतुओं को भी हटाना होगा यानी हेतु विपरीत चिकित्सा भी करिएगा। और इसमें जैसे वातज पित्तज कफज वात पित्तज वात कफज त्रिदोषज और ऐसे सारे प्रकार भी बताए गए हैं। तो आपको लोकल एग्जामिनेशन भी एक बार करवाना है, जो इन्वेस्टिगेशंस मैंने बताए हैं उसके साथ भी काम करना पड़ेगा एंड आई थिंक इन सभी ट्रीटमेंट प्लान मैंने तो आज मुझे लगता है कम से कम अभी फिलहाल मैंने 30 कम से कम 25 से 30 मैंने आपको मेडिकेशंस बताए हैं और ये सारे बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करने वाले हैं। उसको मतलब आप बिल्कुल ये भी ना करिएगा, एक पीरियड की बात कर रही थी ना मैं, जैसे बीच वाला जो पीरियड है जो अगले बेसिस के पहले वाला पीरियड है उसमें भी आप बस्ती दे सकती है, जैसे क्षीर बला तेल की दीजिएगा, चंदन बला दीजिए, मतलब हम लोग पित्त को कंट्रोल में रखेंगे, पित्त आपका कंट्रोल में रहेगा, पित्त शमन रहेगा तो निश्चित रूप से आगे का जो पीरियड है वो भी कंट्रोल में रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आए, ये मेरा विचार है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही प्रकार से विचार कर हम बट हर एक केस मुझे लगता है कि हर एक केस टोटली डिफरेंट होती है। मैंने वासा भूत का बताया बट वासा तो बेस्ट है, मतलब तिक्त कषाय स्तंभन प्रॉपर्टी वाला है और सभी प्रकार के ब्लीडिंग डिसऑर्डर में वासा स्वरस नस्य वासा भूत का पान करवाइएगा, इंटरनल आप बेस्ट तरीके से ब्लीडिंग कम करता है बिकॉज वासा इज हैविंग हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टी। बस वासा भूत हम लोग प्रेगनेंसी में यूज नहीं करेंगे। एक और ग्रुप बताती हूँ, पंचवल्सल ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जिसमें भी तिक्त कषाय रस है। अभी इसमें क्या क्या है देखिए, नेग्रोद आएगा, उदुम्बर आएगा, परीश आएगा, अश्वत्थ आएगा, प्लक्ष आएगा, ये सारे दे आर प्रीडोमिनेटली कषाय गुण वाले एंड शीत द्रव वाले, सो रक्त रोधक प्रॉपर्टी इसमें है, रक्त पित्त हर प्रॉपर्टी इस सभी में है और ये एक प्रकार से योनि दोष हर भी माने गए हैं। तो मैं तो पंचवल्सल का बहुत उपयोग करवाती हूँ, सभी को बताती रहती हूँ एंड आचार्य सुश्रुत ये कषाय का उत्तर बस्ती भी बताते हैं बट अभी जैसे कि आप हर पेशेंट में तो उत्तर बस्ती पॉसिबल नहीं होती है तो बिल्कुल आई थिंक ये वहां पे तो उन्होंने 200 ml बताया है बट इट्स नॉट पॉसिबल, इतना हम लोग देते नहीं है, हम लोग 5 से 10 ml की ही उत्तर बस्ती देते हैं बट मुझे लगता है अगर ऐसा मामला है तो आप यहाँ पे निरूह और अनुवासन का भी प्रयोग कर सकते हैं एंड बिल्कुल ये आपको मतलब बस्ती देने से क्या होगा ना, ओवरऑल अपमान का क्षेत्र एवं गर्भाशय क्षेत्र पर हम लोग काम कर रहे हैं तो ओवरऑल आपको अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा, यानी आगे के लिए भी ये काफी फायदेमंद होगा पेशेंट को, उसके अगर बस्ती देते हैं या इस प्रकार के ट्रीटमेंट हम लोग इसमें प्लान करते हैं तो आगे के लिए भी काफी हमें कोई समस्या नहीं आएगी या आगे भी उसका जो मैसेज है वो काफी अच्छे से रहेगा। अभी और मैं कुछ इसमें बताना चाहूंगी, अलग अलग अगर कल्पों की बात करेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस या कुछ अनुभूत, एक मैं जो पंचभूति का बताती हूँ उसमें रजनी योग करके भी है, उसका भी काफी अच्छा ये अच्छा उपयोग होता है और एक रजन्यादि कल्क करके आता है वो भी जो है ना रजना राजदाना कल्क करके, वो भी आप घी के साथ खाने को दीजिएगा पेशेंट को, काफी अच्छा ये होता है इसके साथ। एक एलादी चूर्ण करके भी आता है, वो भी काफी अच्छे से वातज खास करके वातज प्रदर में काफी अच्छा काम करता है। पित्तज में तो आपको सारे पित्त शमन वाले जो भस्म है, मुक्ता प्रवाह मुक्ता पिष्टि कामधुधा गैरी गोदंती, इन सभी का प्रयोग आपको करना है और इसी के साथ साथ पित्तक अश्रुकदर में पद्म कमल या पायस आदि चूर्ण या उत्पल का चूर्ण, मधु का चूर्ण, एलादि चूर्ण, रसांजन, ऐसे सारे आपको यहाँ पर ये रखने होंगे या इसी प्रकार के से आपको यहाँ पर विचार करना होगा।
अगर इसमें आपको लग रहा है कि कफज रक्त प्रदर है, तो ऐसा नहीं है कि रक्त प्रदर ये केवल वात पित्त की दृष्टि से होता है, बट कई बार कफदोष भी इम्बैलेंस रहता है, तो कफज प्रदर भी बताया गया है, जिसमें निम्बादि योग अच्छा रहेगा। निम्बादि योग यानी नीम और गुरुची का पाउडर, आप गुरुची रस भी दे सकते हैं, रोहितक रस दे सकते हैं, इसमें वही आपको मतलब जो कफज भी रहेगा और यहाँ पर ब्लीडिंग पर भी काम है। सन्निपातज अगर है तो इसमें भी ये सारे तो चलेगी चलेगी, इसमें आप पट्ट्यादि कषाय दे सकते हैं सन्निपातज टाइप का, और शतावर्यादि कषाय दे सकते हैं, प्रदरादि कषाय दे सकते हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी है, मेडिसिन मैं बताने बैठूंगी तो आई थिंक मेरे पास करीब करीब 100 मेडिसिन तो आराम से मिल जाएंगी जो प्रदर पर काम करते हैं। बट मुझे लगता है कि हेतु और बाकी सारी पेशेंट की कंडीशन, लक्षण, इन सभी का विचार करके, इन सभी पर काम करके ही हमें यहाँ पर देना है। अभी एक और लास्ट में बताना चाहूंगी, अगर पेशेंट को पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग है, पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाइएगा, क्योंकि पेरीमेनोपॉज ये कई वैद्यों को भी मतलब बताता है या अपने साथ ले आता है, तो वहां पर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है आई थिंक, और कभी कभी कुछ महिलाओं में अपने आप से ये कम भी हो जाता है, हर बार ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, बट ऐसा भी कह नहीं सकते क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही तो निश्चित रूप से तकलीफ होगी, आगे धातु क्षय है, दुर्बलता है, और एक ठीक ही बात नहीं है ना। बट ये एक बात मैं जरूर बताऊंगी कि कभी कभी एक नेचुरली रक्त अगर दुष्ट है तो वो शरीर के बाहर निकल ही जाता है, उसको रोकना भी नहीं चाहिए ऐसा भी माना गया है, हाँ, बट वो आपको बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहा है तो आप इसमें पित्त शमन करवाइएगा, प्रवाह मुक्ता भस्म और हल्का अभिपत्ति का चूर्ण लेते रहिएगा, वो धीरे 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 आपका ये मेनोपॉजल ब्लीडिंग, क्योंकि मतलब मेरे पास भी सभी ऐसे ही बताते हैं कि मेनोपॉजल जो डिसफंक्शनल ब्लीडिंग है बहुत ज्यादा हो रही है, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऐसा मामला होता है कि वहां पर हमें निश्चित रूप से थोड़ा धैर्य भी रखना होता है, और बाकी भी आम्ल की चूर्ण है, बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मुलेशन है, इसमें नाक के शराब दूध के साथ भी दे सकते हैं, फिर शुंठ, फिर पिपली, पिपली मूल पत्री, इसका भी आप काढ़ा बनाकर दे सकते हैं, एक मैंने इसका भी बताया था कई बार धातकी पुष्प, तो धातकी का काढ़ा उसमें शहद और घी शुगर डालकर इसका उपयोग करवाइएगा, बेस्ट मिलेगा आपको रिजल्ट। अडुलसा मतलब वासा शतावरी, इसका रस जूस शहद के साथ दीजिएगा। ज्येष्ठमत चूर्ण भी काम करता है जो आप चावल के पानी के साथ दे सकते हैं, आमले की चूर्ण दे सकते हैं, कभी कभी केवल शीत जल की बस्ती ठंडा पानी लेकर वो आप वजाइनल एरिया पर जस्ट इसका ये करिएगा, परिषेक करवाइएगा, वो भी काफी मदद करेगा, बेस्ट रहेगा पित्तश प्रदर के लिए। ऐसे बहुत सारे ये है इसमें छोटे छोटे अद्भुत काम करने वाले हैं। एक मैं हमेशा से मैंने शायद बताया भी होगा, जीरा और खड़ी शक्कर, जीरक चूर्ण और खड़ी शक्कर, ये सारा भी मतलब जीरा पाउडर बनाकर रखिएगा और जो मिश्री होती है ना, जो बड़ी वाली शुगर होती है उसके साथ मिलाकर दीजिएगा पानी पीने को पेशेंट को, फिर आंवला रस और उसमें मिश्री डालकर दे सकते हैं, पर जीरा और खड़ी शक्कर का तो बहुत ही अच्छा है, वो तो मैंने खुद से बहुत बार उपयोग में लाया होगा। यस मैम बोलिए, सभी लोग आप भी सारे जो भी दर्शक है डॉक्टर से वो भी बताइए आपका क्या अनुभव है, आप किस प्रकार से ट्रीट करती है। संपदा जी, नीलम जी नमस्ते मैम, कैसी है? नमस्कार मैम, कैसे मैम? ठीक हूँ मैम। अच्छा बताइए, आप खड़ी शक्कर किसको कहते हैं? मतलब वो बड़ी वाली आती है ना, क्या बोलूं, जो हम लोग रेगुलर शुगर यूज करते वो नहीं, जो बड़ी वाली आती है ना, बड़े टुकड़ों में आती है ना, वो मिश्री, मिश्री। ओके, उसमें दो तरह के आती है मैं, वो जो सट्टा धागा मिश्री जो आती है, धागे वाली यूज करिएगा। ओके, और कैसी है आप मैम बताइए? मैम ठीक हूँ। और मैम ये ना एक्चुअली मेरे पास छोटे छोटे ना जिनको मिनाक सेट होता है उन बच्चों में ऐसा है, छोटी छोटी गर्ल्स हैं मैम,
10-10 years की मैम। तो एक्चुअली हमारा अभी ना लास्ट कैंप हुआ था, तो वहाँ पे 4-5 गर्ल्स हैं ऐसी जिनको पूरा पूरा मंथ पे ब्लीडिंग होती है मैम। अरे बाप, अच्छा तो ये तो सब मैंने दिया मैम उनको, बोलबद रस वगैरह तो उस दिन प्रिस्क्राइब किया था मैम, तो मैंने कहा आपसे बात करूंगी। पर अच्छा वो दोनों तीनों को ऐसी ऐसी सी हिस्ट्री है मैम, सेम सेम सी, कि इस तरह से ब्लीडिंग जो है किसी को 5 दिन रुक गई, किसी को 10 दिन रुक गई, बट मैम, इसमें कुछ ओवरऑल फैमिली यही है हिस्ट्री वगैरह है क्या? फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है क्या आपको? मैम। पता नहीं 5th क्लास से उनको मिनाक सेट हो गया, अब वो 7th में है शायद, 7th या 8th में। मैम बहुत ऐसे लड़कियों के मामले तो बहुत हो रहे हैं, बहुत ऐसे तो ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा है, हेवी ब्लीडिंग हाँ होती जी, है, क्लॉट्स भी होते हैं, और लाइक ना क्या मतलब अभी बताए, ऐसे होता है मतलब ना कि उनको रेस्ट के लिए छुट्टी भी बोले तो मैम कितना बोलेंगे मैम, पूरा मंथ कैसे बच्चा ऑफ करेगा। मक्का हाँ तो मैम मेरे को जैसे ध्रुवा कल्प आपने बताया था वो मैंने उनको प्रिस्क्राइब किया, कईयों को मिला भी नहीं मैम, वो यहाँ पे एक्चुअली इजीली अवेलेबल नहीं है शायद ध्रुवा कल्प। अच्छा, चलो तो आज मुझे कुछ और मेडिसिन के नाम आ गए हैं, आई विल अप्लाई ऑल दोस। और कुछ एनीमिक है मैम, उनमें तो मैंने लोहा सब वगैरह सब डाला मैम। अच्छा, एनीमिक हाँ में ना हम जीरक और या फिर कुष्मा डाउली भी दे सकती है ना आप? मैम एक्चुअली ना बहुत ज्यादा पेइंग पेशेंट नहीं है, तो जो हमारे पास है उसी में काम चलाना पड़ता है, वासा अवले मैंने उनको दिया है मैम। अच्छा, वासा इज ओके हाँ जी मेरे मैम। पास कुछ वासा हार्मोन्स अवले है, हार्मोन्स का भी है क्या इसमें, आपने पता देखा नहीं मैम कुछ? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मैम। एक्चुअली क्या दो तो लड़कियां ऐसी हैं जो शायद प्लेयर है मैम कबड्डी की, अच्छा आई फील के उसकी वजह से मैम, उनको इसमें ना प्रॉब्लम एक ज्यादा बात है। बताऊं क्या, अनुलोमन करवाइएगा मुझे लगता है ना, अनुलोमन, बिकॉज सी यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जी अपान वायु पित्त से दुष्ट हुआ है, यानी आवरण ऑफ अपान वायु बाय पित्ता एंड यस आर्तव मैम, स्रोतस की दुष्टि, और जिसके साथ ही यहाँ पर दोनों को पर भी काम करना है, तो अपान वायु के लिए तो हमें अनुलोमन ही करना होगा, तो लड़कियों में वो अनुलोमन तो हम लोग कर सकते हैं, आई थिंक वो करवाइए मैम, हाँ तो ये मिलेगा। ठीक है मैम। और किसी का कुछ लड़कियों के लिए क्या यूज करते हैं बताइए, शुभ्रा जी और बाकी सारे जो भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बताइए मैम, लड़कियों में क्या यूज करेंगे, और कुछ किसी का अनुभव हो। एक नारी कल्याण चूर्ण करके भी आता है मैम, ये भी दे सकती है, जो बच्चों में लड़कियों में थोड़ा मूड स्विंग वगैरह भी होता है ना, वो भी काफी इससे अच्छा होता है, एंग्जाइटी वगैरह भी कम होगा। ठीक है मैम। और एक एक्चुअली लोथा मेरे शुक्ल पास करके भी आता है, ब्रह्मी चूर्ण है मैम, और साथ में एक्चुअली जो मेरे पास गवर्नमेंट सप्लाई में है ना मैम, मैं वही दे पाती हूँ उनको। अच्छा लोद्रा, देखिए इसमें क्या करना है ना, 6 ग्राम लोद्रा एंड 6 ग्राम शुंठी दोनों को मिलाकर दीजिएगा खाने के पहले, ठीक है मैम, शर्करा के साथ। लोधर और शुंठी, ठीक है मैम, मैम ये 3 महीने कंटिन्यू दीजिएगा, ओके ओके मैम, और ये लोधर आप और मेंस्ट्रुअल शुंठी, साइकिल के ठीक दौरान भी दे सकती है। यस यस, है मैम। और थोड़ा सात्विक डाइट भी रिकमेंड करिएगा पेशेंट हाँ को ना, वो तो हो कर दिया मैम, वो हो गया। क्योंकि लोद्रा शुंठी योग, ये योग रत्नाकर का दिया वाला है ये जो, और ये ठीक है मैम, मतलब रक्त स्तंभक, रक्त शोधक सब कुछ काम करता है। फाइन। और मैम बताइए, अच्छा चंद्रकला रस तो है, ओके। एक मैम इसमें ना थोड़ा सा रक्त पाचन भी करवाइएगा, आप रक्त पाचन का प्रयोग करती है क्या? रसपाचक और रक्तपाचक दोनों दिए हैं मैम। अच्छा, मुस्ता ऐड किया क्या, मुस्ता या घातकी वगैरह ऐसे? अच्छा मुस्तुका नहीं ऐड किया मैम, मुस्तुका नहीं ऐड किया मैम, तो मुस्तुका कितने दिन तक दें और कैसे दें मैम। इसको ना, ये देखिए अब आप क्या क्या ऐड करें मैम बताओ, मैं मुस्ता, लोद्र, घातकी, कुटच, पाठा, एक एक पार्ट लीजिएगा, यानी अगर आप 5 ग्राम कर रहे तो 5-5 ग्राम लीजिएगा ये, और ये
चूर्ण दीजिएगा आप शर्करा के साथ, 3 साइकिल तक चलाइएगा मैम उसको, कंटिन्यूअसली। हाँ कंटिन्यू दीजिएगा, कंटिन्यू ओके दीजिएगा। ओके ओके मैम, फाइन मैम। आई थिंक इतने सभी के साथ तो होना चाहिए मैम, कहीं ना कहीं कभी कुछ छूट रहा होता है हमारे ट्रीटमेंट प्लान में ना, कुछ तो छूटता जाता है तो नहीं आता है। फीवर वगैरह है क्या पेशेंट में? नहीं मैम, कोई फीवर हिस्ट्री नहीं है मैम। एक बात एक बताऊं पेशेंट मैम, है जो आप सच में ना एनीमिक है मैम। ज्यादा मत सोचिएगा उसको ना, एक रसपाचक अभिपत्ति का चूर्ण चलाइएगा एंड अशोकारिष्ट का। अभिपत्ति कर दे रही हूँ मैम मैं, हाँ रसपाचक मैंने रसपाचक उसको दे दिया दीजिएगा। था। हाँ रसपाचक 10 डेज देने के बाद मैंने रक्तपाचक पे भी डाल दिया था मैम। अशोकारिष्ट चलाइएगा या फिर अशोकारिष्ट मेरे पास अशोक घृत पान करवाइएगा, घृत पान। ओके मैम, अशोकारिष्ट और लोधरासव मेरे पास दोनों अवेलेबल थे, वो दोनों दिए मैम मैंने उसको। क्योंकि अशोकारिष्ट का मुझे लगता है अशोकारिष्ट से भी अशोक घृत और ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें ना, फाइन, अशोक घृत वासा वासा अगर अम्ले अशोक घृत मैंने नहीं दिया। मिल रहा है तो अशोक का चूर्ण घी में डालकर ना उसको 2 दिन में 2 से 3 बार खाने को लगाइएगा। अशोक बहुत अच्छा काम, लड़कियों में अशोक का अच्छा रोल रहेगा। और साथ में आप कोई लोह कल्प दीजिएगा, सप्तामृत लोह वगैरह हाँ वो दे दिया मैम, वो दे तात्यादि सकती है। लो भी दिया। हाँ चलेगा, वो भी दे सकती है। ये सिंपल सा मतलब ज्यादा इसमें हम लोग ज्यादा नहीं को, उलझा है मैम, वो लेती भी नहीं है ना मैम दवाइयाँ गर्ल्स ज्यादा। यस। और चलिए थोड़ा हेतु पर जरूर विचार करिएगा। ओके ओके मैम। थैंक यू मैम। यस और बताइए आप क्या देती है, दूसरा कोई बताइए, मंदा किनी जी आप क्या देती है? मैम कभी कभी ना ये स्वभाव भी होता है, तो कई बार लाइक मुझे लगता है कि वो एक बात होती है इसमें, तो हमें उस स्वभाव को ये करना होगा। पिचू शीत धारण, शीत ये करवाइएगा, थोड़ा सा शीत का अच्छा रोल रहेगा। सोर और पिचू तो मैम अनमेरिड गर्ल्स हैं मैम, शायद हाँ नहीं कर नहीं वो पाएंगे। तो हाँ लड़कियों में तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट लवण आमला तो कटु वगैरह तो खाने में ये करिएगा। हाँ एक्चुअली वो मैम सब बोल वी रही आर हैं मैम, सच बताऊं, वी आर लैकिंग ऑफ परिचर्या। ये तो है मैम। ऋतु परिचर्या पे मैम काफी, अभी पीछे डॉक्टर हेतल देव हैं शायद मैम, आप भी जानते होंगे, अच्छा पता है ना। हाँ जयपुर से मैम, वो बहुत स्ट्रेस ले करती हैं ऋतु परिचर्या। हाँ डॉक्टर रितु रानी बोलिए मैम। नमस्कार, आप नई है शायद, डॉक्टर रुति जी बोलिए तो। रितु जी यस मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार, कैसी है, कहाँ से हैं आप? मैम पंजाब से। अच्छा जी, क्या करती है मैम, प्रैक्टिस है आपकी? यस मैम, गवर्नमेंट जॉब में आयुर्वेदिक, एज आयुर्वेदिक मेडिकल अफिसर। ओके ओके ओके, पंजाब। हाँ जी हाँ अच्छा, तो आते रहिए आप। जी हाँ जी मैम। आपका क्या अनुभव है इसमें, आप क्या देती है, गवर्नमेंट में क्या सप्लाई चलता है? मैम एक्चुअली मैंने इस तरह के पेशेंट्स में बोल प्रॉपर्टी वगैरह दी है, पर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, जैसे बोल प्रॉपर्टी और साथ में अशोकारिष्ट, अच्छा, मतलब इसमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। पर जैसे पेशेंट को मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की हैवी होती है, उसमें पेशेंट्स को अगर रसपाचक रक्तपाचक वगैरह पे डाला तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिले, इस टाइप के पेशेंट्स में नहीं। और वहां पे क्या होता है आपके इसमें ना, फ्री में या लाइक पेशेंट्स के लिए? मैम एक्चुअली मेडिसिन्स सप्लाई में तो कम है यहाँ पे, तो अच्छा हमें मतलब प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देते हैं तो फिर ले आते हैं पेशेंट। जी, यस मैम, कॉमन ओके। मेडिसिन्स ही आती है मतलब यहाँ पे, तो जैसे अशोकारिष्ट हो गया, कुमारी आसव है, ये सब मुक्ता पिष्टी है, तो उसी से ही थोड़ा काम चलाते हैं। अदरवाइज अगर ज्यादा पेशेंट जो होता है तो फिर वो बाहर से ले आते हैं। ओके। यस मैम। संधान भी काफी अच्छा रहता है ना, उदुम्बर
कषाय या उधुम्बर आउलेह भी खाने को देते हैं ना, तो भी ठीक रहता है। कषाय गुण वाला है ना उधुम्बर आउलेह। ओके मैम, एक्चुअली अवेलेबल हो जाता है ये उदुम्बर अवलोही? एक्चुअली ये शतावरी चूर्ण भी आप ओरली देते हैं, या फिर कुटज का चूर्ण, कुटज भरड एंड काश्मीरी भरड, ये भी देते हैं। ये सारे ना एक्चुअली ग्रंथोक्त ही कल्प है, चरक संहिता से ही है, ये पंचकर्म के लिए बताए गए हैं। ओके मैम, कभी कभी कुछ लोग पिच्छा बस्ती देते हैं, यस मैम सुना है, यूट्यूब से देखी है। चंदन आद्य तेल भी आप पिच्छा बस्ती या बूंद पिच्छू के रूप में यूज कर सकते हैं। मैम। चंदन बरा जैसे ये लाक्षादी तेल है, तो इसको हम पिचू पर ब्लीडिंग में तो कैसे हम यूज करेंगे पिचू ऐसे? ब्लीडिंग में नहीं देंगे हम लोग, बाद में, मतलब एक साइकिल के ब्लीडिंग चल रही तो मात्रा बस्ती दे सकती है ना मैम, तुरंत रिजल्ट मिलता है आपको, तीसरे दिन रिजल्ट मिलेगा। ब्लीडिंग में भी आप मात्रा बस्ती दे सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके बट मैम, नेक्स्ट साइकिल के लिए आप पिचू दीजिएगा तो वो पित्त शमन रहेगा ना। पित्त यहाँ पे, पित्त मतलब अपान वायु पित्त से अवरुद्ध तो हुआ है, तो पित्त का आवरण कम हो जाएगा। यस मैम, यस मैम, ओके। मैम डॉक्टर मंदा की नहीं संपदा, आप बोलिए मैम, समझ रहा है? सेम यही है कि मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैंने भी चंदन बरा लक्षा की मात्रा बस्ती दी थी, तो पेशेंट कंट्रोल हो गया था, लेकिन पेशेंट जो है बाकी की दवाइयां नहीं ले ले पा रही थी, जैसे भाषण वगैरह, प्रमाण पृष्ठ वगैरह, तो उसको फिर बार बार हो जा रहा था। तो मतलब चंदन बरा लक्षा जी की मात्रा बस्ती के साथ ऑलरेडी ट्रीटमेंट तो घोषणा देना ही पड़ेंगे। बिल्कुल बाकी कुछ क्या होता है कि पेशेंट्स जो होते हैं वो लोग ना उसी बीच में एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, तो वो भी थोड़ा देख बिल्कुल। करके वो बंद मैडम कराना एक्चुअली पड़ेगा ना मैं जी। बताऊं, हमें ना बहुत बातें पता पता ही नहीं होती। हाँ, और बोलते रहेंगे कि हम कुछ खा नहीं रहे खा नहीं रहे, उसी बीच में वो खाते भी रहेंगे, एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, पार्टी भी अटेंड करते रहेंगे, वो बस बस हो जाता वो बहुत होता है वो, तो मतलब इसीलिए तो रिजल्ट नहीं मिलता ना फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। और फिर अभी नीलम जी परेशान थी क्योंकि वो बच्ची या लड़कियां ठीक से बताती नहीं, हिस्ट्री देती नहीं, और इतना कोई फॉलो नहीं नहीं करता। मेरा अनुभव यही है कि सब लोग झूठ बोलते रहते मैम। मेरा वो जो पेशेंट था जिसके बारे में मैंने फर्स्ट टाइम नहीं आया, जब आया स्त्री प्रसूति रोग में आई थी संभाषण में ना, तो मैंने आपसे शेयर भी किया था, पीसीओडी वाली मरीज थी, चंदन बला लक्षा दी की मात्रा बस्ती लेके जा रही थी, फिर वो उसके बाद 1 महीने दवा लेके गई प्रमाण पुष्टि वगैरह, आज तक फिर वो आई ही नहीं। और वो जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि नहीं लफड़े वाली लड़की थी, बहुत लड़कों से बात करना, हाँ। इनसे कम भी कर लेना, और उसको हाँ, फिर हेतु सोचते भी रहना आजकल ना, सोचते रहना। हेतु भी और गलत धारणाएं भी बनी है इसको लेकर ना, हाँ मेंस्ट्रुएशन को लेकर और इन सभी बातों को लेकर ना, और इंटरनेट का यूज करना, वीडियो देखना, बहुत ऐसे यस केसेस होते हैं ना जिसको हम लोग बिल्कुल। हाँ, बट मेरा मतलब मेरा तो मानना ये है कि महिलाओं में तो मैंने मतलब अच्छे से देखा है कि ट्रीटमेंट लागू हो जाती है। लड़कियों के मामले में ना थोड़ा सा रेगुलराइज होने में 1 साल या 2 साल लग जाता है, बट क्योंकि लड़कियों में हेतु का धारण भी चलता रहता है, जैसे स्ट्रेस है, पढ़ाई है और खान पान है, तो वो आदतें बदल नहीं सकते तब तक हमारा जो एक हाइपोथैलेमस है, ये एक्सिस है, वो जो पिट्यूटरी लेवल पर जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाता है, वो थोड़ा धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने के मैम, बाद ही होता है। मैंने एक चीज और दिखी थी अपने पेशेंट ने, मेरे जो पेशेंट थी ना वो, उसको सेंट परफ्यूम लगाने की बड़ी तगड़ी आदत थी, इतना क्या लगाती लगाती? थी ना परफ्यूम परफ्यूम, और अच्छा मैं ज्यादा लगाती थी कि वो मेरे को सिर्फ चाहता था मुझे, तो मैं उसको बोलती थी कि तुम इतना तेज परफ्यूम मत लगाया करो, और हमेशा मैं उसको डांटती थी कि मतलब वो सिल्क वाले अंडरवियर पहनना, वो नहीं मानती, वैसे कपड़े टाइट पहनना ये सब कुछ उसका हमेशा ही रहता था, उसकी वजह से वही उसका तो। हमेशा फंगल इन्फेक्शन भी रहता था, तो ये सब छोटी छोटी चीजें भी मैम बड़ा मायने रखती है। नहीं, सच बात है ये तो ना, सच बात है, इसीलिए आई थिंक थोड़ा सा मतलब लड़कियों के मामले में मेरा भी अनुभव ठीक नहीं है। रिजल्ट मिलता नहीं जल्दी, या फिर पता नहीं क्या छूट जाता है, ऐसे लगता है कभी कभी ना। यस मैम, बोलिए, और किसी का कुछ विचार या केस?
बोलिए बोलिए। स्पॉटिंग होती है पेशेंट्स में पीरियड्स से पहले, मैम उसमें हम क्या मतलब मेडिसिन्स दे सकते हैं? मैम स्पॉटिंग हो रही ना, तो कहीं ना मतलब जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं बीच बीच में हार्मोन्स ट्रिगर कर रहे हैं, इसके कारण वो स्पॉटिंग हो रही है। तो इसमें मेरा विचार ये रहता है कि स्पॉटिंग में शिरोधारा, शिरोपीचू, मतलब अगर मैरिड है तो फिर हम लोग बाकी पीचू भी रख सकते हैं, वजाइनल टेम्पोन्स भी रख सकते हैं। अगर अनमैरिड है और ऐसे स्पॉटिंग की समस्या है तो शिरोधारा, शिरोपीचू और नस्य ये ज्यादा बेहतर रहेंगे, ताकि क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं हार्मोन ट्रिगर कर रहे हैं ना, स्पॉटिंग हो रही है तो इसका मतलब स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स अगर हो रही है तो एक्चुअली ये एक प्रकार ही है, वैसे तो इसका ही प्रकार मानेंगे अश्रुक दर का ही, बट तो ये माइल्ड लेवल पर है। यहाँ पे जो दृष्टि है ना पित्त की, अवरुद्ध का पान की, तो इसीलिए आपको यहाँ पर भी आप घृतपान, फलघृत है या सिंपल गाय का घी है, वो सारा हम लोग कर सकते हैं। इसमें भी ऐसा नहीं है कि वो सारा यूज नहीं करेंगे, बट हम यहाँ पर भी वही थोड़ा सा प्लान रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट कर सकते हैं इस केस में। तो मेरे विचार से इसमें तो शिरोधारा और शिरोपीचू ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। मैम जैसे हार्मोन्स पर, हार्मोन्स को रेगुलराइज करेंगे हम। ओके मैम, मतलब बीच में स्पॉटिंग नहीं है, मतलब स्टार्ट पीरियड्स के स्टार्टिंग में स्पॉटिंग से स्टार्ट होते हैं, मतलब पहले स्पॉटिंग 2-3 दिन स्पॉटिंग रही फिर उसके बाद पीरियड्स नॉर्मल आए। अच्छा हाँ, तो मतलब इस तरह पूरा वहां पे ये मैकेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो एक लाइक बारीक फिर विरेचन देकर भी काम कर सकते हैं इसमें, ओके या जैसे आप मंजिष्ठा भी दे सकते हो जो कि रक्त शुद्धि भी करेगा। मंजिष्ठा, मंजिष्ठा भी चूर्ण दे सकते हो इसमें। ओके और अगर पेशेंट को ना बहुत ही ज्यादा ये हो रहा है, या आपने जैसे बताया कुछ स्मेल वगैरह भी रहता है कुछ पेशेंट्स में, तो वहां पर चंद्रप्रभावटी या उच्छिरासो दे सकते हैं, जो कि इस प्रकार की विकृति को भी कम कर देता है मेंस्ट्रुअल ऑर्डर के लिए, बैड मेंस्ट्रुअल ऑर्डर ओके उसमें। थैंक यू मैम, कुमारी आसो भी बहुत अच्छा इसमें वर्क करता है, जो मैडम बोली ना स्पॉटिंग के लिए, रश्मिदारिष्ट कुमारी आसो। यस, लड़कियों में तो मैम चलता ही है, बिल्कुल अच्छा चलता है हाँ एकदम। और किसी का कुछ ये हो तो बताइए प्लीज, किसी का कोई विचार हो तो बताइए। यस मैम, आई थिंक सभी का मतलब कुल मिला जुला कर इफेक्ट यही आ रहा है। और किसी को कोई अनुभव शेयर करना है हमारे डॉक्टर्स वो भी कर सकते हैं, ये मंच सभी के लिए खुला है, और इसी प्रकार से ये चर्चा यहाँ पर चलती रहती है। सुचेता जी बोलिए, बहुत दिनों के बाद आपका आजकल रेगुलर मतलब ये नहीं हो पा रहा है, जुड़ नहीं पा रहे आप ठीक से आई थिंक। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। एक तो नमस्ते मैम कैसे? यहाँ पे ना सिग्नल नहीं मिलता मुझे, अच्छा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी मैं इसका कुछ हल निकाल रही हूँ, शायद यहाँ पर वो लगवा लूँ वाईफाई, इसकी चल रही है बातचीत, अभी देखती अच्छा हूँ, ये कुछ तो करना ही व्यवस्था पड़ेगा कर लीजिए, क्योंकि ये टाइमली अच्छे से व्यवस्था कर सबका। लीजिए ताकि आप जुड़ सके हाँ सत्र जी में। हाँ जी और जो हाँ जी हाँ डॉक्टर जी ज्योति, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, तो ज्योति ये है। निवास, और कभी कभी हाँ बोलिए। कभी कभी पेशेंट आ जाता है तो बस फिर मैं सुन सुन लेती हूँ, बीच में बोलने का मौका नहीं लगता। हाँ पेशेंट आ जाता है तो खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं पेशेंट हाँ आने जी चाहिए मैम, एक्चुअली। हाँ जी हाँ। बाकी मैम वो जो इन्होंने बताया ना प्रॉपर ब्लीडिंग से पहले स्पॉटिंग, अच्छा उसमें जो डॉक्टर ने एक बोला बीच में कुमारे आसव और दशमलारेष्ट, उसका तो मैम बहुत अच्छा रिजल्ट है। जनरली बिल्कुल मैं 75% इन दोनों में से कोई एक यूज करती हूँ और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बेसिकली वो मेरे को जो समझ आती है उसमें वो प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल से, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन जब ड्रॉप करेगा ब्लीडिंग तभी आएगी, वो अच्छा प्रॉपरली वो नहीं हो पाता तो वो पहले स्पॉटिंग दे के फिर ब्लीडिंग करता है।
तो इसमें दशमूला रिष्ट का और कुमार या सब कुछ भी, या तो दोनों मिक्स करके, जैसे मैं तो कई बारी दोनों मिक्स करा के एक बड़ी बॉटल में डलवा लेती हूँ खाली, जैसे बिल्कुल वो कोका मैं कोला इंटरप्रेट की या कैंपा कोला की किया होती है, तो या फिर अलग अलग मैं देख लेती हूँ पेशेंट का किस तरह से वो है, और उसका तो श्योर शॉट है, रिजल्ट बिल्कुल बिल्कुल है मिलता ही है, आप उसमें ये ट्राई कर सकती हैं ये, क्योंकि यहाँ ठीक पे कोई कैपिलरी ब्लीडिंग का तो मिल नहीं रहा, और साथ में जो आपने नस्से बताया उससे क्या होएगा कि वो एलएच सर जो पूरी स्टार्टिंग से बिगिनिंग से ही डे वन से ही लेवल बराबर आएगा उसका, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का है यहाँ पर, तो वो नस्से से बैलेंस बनेगा और प्रोजेस्टेरॉन प्रॉपर टाइम पे ब्लीड करेगा, प्रॉपर ये मैम देखिए टाइम ना, पे। बहुत सिंपल है ना, नासा ही शिरसो द्वारम। तो ऐसे करने से क्या होगा ना कि हमारे ब्रेन या हाइपोथैलेमस फंक्शनिंग पर काम होता है। तो और लड़कियों में तो शिरोधारा शिरो पिचू का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मतलब ओवरऑल स्ट्रेस हाँ जी लेवल। मैम, हाँ जी मैम, क्योंकि वो FSHLH रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस से, और आगे वही आगे उसको साइन दे रहे हैं नीचे ओवरीज को इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जनरेट करने के लिए, तो नसे का और कुमारिया शब्द दशमूला रिष्ट आप आराम से डॉक्टर दे सकती हैं अपने पेशेंट्स को, और अच्छे रिजल्ट्स हैं, मीन्स कि बहुत ज्यादा हमें डीप या बहुत सारी दवाइयां देने की जरूरत नहीं पड़ती, एक सिंगल मेडिसिन से ही उसमें आराम आ जाता है। यस तो चलिए फिर और सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी सत्र में जुड़ते रहिएगा, और आपके ही सहयोग से या हम लोग इसको चलाते हैं। और भारत में ऐसी केवल एक ही संभाषा होगी जो यहाँ पर आयुष दर्पण पर चलती है, और बिल्कुल आपके सहयोग से ही चलती है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, डॉक्टर रितु जी आप भी ग्रुप में आ जाइएगा ताकि आप वहां पर भी अपने विचार या केसेस शेयर कर सकती। मैम फिर नेक्स्ट सेशन में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अभी अच्छा, तो मैं गूगल फॉर्म शेयर कर देती हूँ ना, गूगल फॉर्म भरकर आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा सत्र से। ओके मैम, प्लीज सेंड कर दीजिए। ओके हाँ तो वो मतलब आप डेली या आगे भी इसमें जुड़ सकती है, इसीलिए ठीक है लाइक मैम, है ना। ओके और अभी आप कहाँ से जुड़ी है, कौन से ग्रुप से जुड़ी है तो बताइए। मैम। अभी स्त्री रोग वाले जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें लिंक जो आपने शेयर किया था, हाँ हाँ ठीक है, तो फिर उसपे भी ग्रुप में मैंने डाल दी है लिंक वाली जो गूगल फॉर्म की है, तो उसमें आप भरकर ज्वाइन कर सकती है। ओके ठीक है ओके ठीक है, ओके, चलिए फिर डॉक्टर, आई थिंक स्टे कनेक्टेड, फिर कल मिलते हैं। नमस्कार।